उदासी, निराशा, अकेलापन हम में से किसकी जिंदगी में नहीं होते, और हम में से हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी वो वक्त जरूर आता है जब हम बहुत अकेला महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारी बात सुनने समझने वाला कोई नहीं। और कई बार ऐसे हालातों में हम में से कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं कि काश उसने अपने दिल की बात या अपना दर्द हमसे बांट लिया होता तो शायद उसको खुदकुशी करने की नौबत नहीं आती। सिर्फ अपने दिल की बात किसी से कह देने से या किसी की बात बिना उसको जज किए सुन लेने से कैसे जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, ये हमको सिखा रहे हैं पुणे के राज डगवाल, जिन्होंने भारत को डिप्रेशन मुक्त बनाने का एक बीड़ा उठाया है। They don't want to acknowledge कि मैं डिप्रेशन में हूँ, because they sometimes they don't know, और जब उनको पता भी होता है तो they don't want to tell others कि मैं डिप्रेशन में हूँ। किसी और को हम बता नहीं सकते जो चीज़ है, अगर आप स्ट्रेंजर को बताओगे आप तो अपना वेंट आउट कर दोगे, ना मैं आपको नाम पूछूंगा ना आपको पता पूछूंगा, और जो आपको शेयर करना है आपके और मेरे बीच में रहेगा, एंड देन यू गो योर वे आई विल गो माय वे। राज, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी त्रिचा में। थैंक यू सो मच राज। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी द लिसनर्स आर्मी, आपका जो कैंपेन है इसके बारे में बताएं, क्या है ये कैंपेन? जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम सब जो है हम लिसनर आर्मी, हम एक यूथ फाउंड कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स डिप्रेशन को टैकल करने के लिए कुछ कैंपेन्स रन करते हैं। ये आर्मी, आर्मी तो ऐसा लगता है ना किसी से लड़ रही है, तो लिसनर्स आर्मी किस चीज़ से लड़ रही है? हम लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, हम लोग एंजाइटी, पैनिक अटैक, इसके बारे में जो अवेयरनेस नहीं है, जो फोबिया है लोगों के बीच में कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सिर्फ पागल लोग जाते हैं, मेंटल लोग जाते हैं, साइकोलॉग जाते हैं, तो हम उससे लड़ रहे हैं, हम हमारी आर्मी उसको टैकल करना चाहती है। तो किस तरह से लड़ रहे हैं आप ये डिप्रेशन से या मेंटल हेल्थ को लेकर जो लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं हमेशा? तो हम लोग बोर्ड लेते हैं जिसपे कुछ कोट्स लिखे हैं, जैसे टेल मी योर स्टोरी आई एम हियर टू लिसन, टेल मी योर स्टोरी आई विल गिव यू 10 रुपीज़, और आई विल गिव यू चॉकलेट समथिंग, सो टेल मी योर स्टोरी आई एम हियर टू लिसन। तो ये एक बोर्ड है, हम फ्री हग्स के बोर्ड देते हैं, और देर इज़ अ बोर्ड दैट सेज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स स्माइल एंड टेक अ रोज बिकॉज यू आर स्पेशल। सो लोगों को कुछ हैप्पी फील कराने के लिए, पॉजिटिव फील करवाने के लिए हम ये कैंपेस रन करते हैं। तो हमारा इसके पीछे यही मोटिव है कि लोग आए आगे बात करें, उनको एक सेफ स्पेस मिलना चाहिए। जब मैं अपनी फेस से गुजर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कोई एक सेफ स्पेस मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत लोग हैं हमारे आसपास जिनको हम शेयर कर सकते हैं, बट कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर हंस ना दे, या फिर किसी और को जाके ना बता दे, या फिर पेरेंट्स को बता दे तो डर रहता है कि कहीं जज ना करे या फिर डांट ना दे, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें अंदर रखना चालू कर देते हैं, और एक पॉइंट के बाद इतना हैवी हो जाता है कि लोग गलत चीज़ गलत स्टेप ले लेते हैं, तो ये ना हो इसीलिए हमने सोचा कि वो एक सेफ स्पेस मिले लोगों को, हम उनको कुछ तो एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो ओपन अप हो सके। राज, आपने अपने फेस की बात की, मैं उसी बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी कि आपने भी डिप्रेशन झेला, कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ वो, क्यों आप डिप्रेशन में गए और कैसे उससे बाहर निकले, चाहती हूँ थोड़ा आप शेयर करें आज। तो जब मैं कॉलेज ईयर्स में था, एक तो अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी को इंजीनियरिंग या फिर बायो या फिर लॉयर ही बनना है, तो पेरेंट्स वॉन्ट एक सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रेन, तो वो बोलते कि इंजीनियरिंग कर लो, तो हर अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि नहीं वी वांट टू रिबेल, रिबेल रिबेल फेस चल रहा है, तो मेरा भी ऐसी फेस था जहाँ पे मुझे कुछ और करना था लाइफ में, तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं इंजीनियरिंग कर लो, आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, तो इंजीनियरिंग में तो ली थी एडमिशन बट मन नहीं था, तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था, आफ्टर ईयर एक ईयर डाउन लग गया था, दैट इज़ ब्रेक इन एजुकेशन, तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक, और मीनवाइल मेरे लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, मेरी जो रिलेशनशिप थी मेरे पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा पर्सन वगैरह इगोइस्टिक, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था आई एम टू ब्लेम या फिर मेरी में कुछ कमी है, तो ये एक इलॉन्गेटेड फेज चल रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हो रहा है। हाँ, और एक पॉइंट के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैं महीनों हो गए मैं घर के बाहर नहीं निकला हूँ, मैं खुश नहीं फील कर रहा हूँ, और कॉलेज जाना छोड़ दिया था, तो पेरेंट्स से भी अच्छे रिलेशन नहीं थे,
तो हर जगह से मैं हार चुका था। एक पॉइंट आ गया था कि अगर मर भी जाए तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जब थॉट्स आने लग गए थे तो बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं जो मुझे समझेगा, या फिर मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो थॉट आता है तो उस टाइम लोग गलत स्टेप ले सकते हैं। मेरे माइंड में भी आया, मैंने भी ऐसे सोचा। लकी फॉर मी, आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे टीचर्स ने नोटिस किया कि ही इज़ एक्टिंग डिफरेंट। मैं क्लासेस नहीं आ रहा था, और जब आ भी रहा था तो बहुत ज़्यादा अकेले रहता था, आंसर नहीं करता था। अदरवाइज आई यूज्ड टू बी अ वेरी एनर्जेटिक चाइल्ड। आपने कहा ना आपने कॉलेज से ब्रेक लिया था। हाँ, ब्रेक लिया था, बट देन जब वो रेगुलर हुआ तो उसके बाद भी मेरे बैकलॉग्स आ रहे थे। तो कॉलेज वॉज नॉट गोइंग वेल। तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, रिजॉइन किया, हमारे क्लासेस चल रहे थे, अटेंड नहीं कर रहा था, अटेंडेंस वॉज वेरी लो, पुअर से भी पुअर। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर था टीचर्स को नोटिस होने का कि यार ये इतना तो नहीं होना चाहिए। तो एक मैम थी जिन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है राज, मतलब वियर्ड एज इन ही इज़ नॉट नॉर्मल। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि राज, आई नो समथिंग इज़ गोइंग ऑन विथ यू, अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है तो वहाँ पे अपने कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट है, आप उनसे आके बात कर सकते हो। अच्छा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई रियलाइज कि कोई तो जो मुझे सुनना चाहता है, एंड दैट गेव मी होप। आई सेड ज़रूर, मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया। मैं दोस्तों को रीच आउट किया, वो बिजी थे, गर्लफ्रेंड समझ नहीं पा रही थी, पेरेंट्स के साथ मैं ओपन अप नहीं हो पा रहा था। ट्राई करके देखते क्या ही जाता है। तो आई वेंट टू हर, आई टॉक टू हर। उस दिन ऐसा हुआ, पहली बार आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 6-7 महीने बाद मैं 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यू बात किया उस साइकोलॉजिस्ट से। जी। ओह वाओ। और वो पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मैं उसके पहले सब चीज़ें अपने अंदर दबा के रखा था, और आई वॉज लुकिंग फॉर वेज आउट जहाँ पे मैं बात कर सकूँ, बट वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लकीली मुझे वो साइकोलॉजिस्ट मिले वो राइट टाइम पे। मैंने अपने दिल का जितना भी था सब बाहर रखा, आई फेल्ट लिबरेटेड ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इवन दो अगर मुझे इससे आंसर नहीं मिल रहे हैं, बट कोई सुन रहा है हमारी। हाँ, कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, या फिर मैं किसी को तो बता रहा हूँ। तो एक एक ह्यूमन प्रेजेंस भी बहुत वैल्यू करता है। तो उस दिन मुझे उस क्लिक हुआ, और फिर धीरे धीरे मेरी हीलिंग प्रोसेस चालू हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, रूटीन में, जिससे आपको आप ग्रोथ कर सकते हो, आपकी स्टडीज़ से लेकर आप हर चीज़ में, हम कैसे रिलेशनशिप भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो एक दो सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी लाइफ चेंजिंग इनफैक्ट। तो वहाँ से मेरी हीलिंग जर्नी चालू हुई, और जब मैं हील हुआ तो फिर मैंने एक दिन एक ब्यूटीफुल पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा था टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू अ डॉलर। तो ये मैं दिस वॉज अ रियली ब्यूटीफुल थॉट। ये बाकी कंट्रीज में होता है वेरी ओपनली, पीपल गो आउट और बात करते हैं, दे आर ओपन अबाउट मेंटल हेल्थ इशूज़। तो वाई नॉट इन इंडिया, मैं सोचा कि क्यों ना हम यहाँ करके देखें। तो सिंस आई वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट फेज, आई रियलाइज कि नहीं, ज़रूरत तो बहुत है इस चीज़ की। सो मैं वैसे तो बहुत शाय इंसान हूँ, तो गोइंग आउट विद द बोर्ड, थोड़ा बीइंग सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, हेजिटेशन होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, और ऐसा डर लगता है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बट आई डिडंट थिंक अबाउट इट। मैंने बट बनाया बोर्ड, आई वेंट आउट देयर, और बहुत अकेले गए। जी, बहुत अकेले गया, और इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पहले दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि लोग देख रहे हैं, तो अजीब फील हो रहा था कि लोग देख के जा रहे हैं, एंड देर लुकिंग एट यू, देर चेकिंग आउट ऊपर से नीचे, एंड देन देर लीविंग। बट उनमें से जो लोग आके बात कर रहे थे, दे आस्क मी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट इज़ दिस अबाउट। तो जब मैंने उनको बताया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जिनसे आप बात कर सको। एंड लकी फॉर मी, जो मेरे सबसे पहले जो मुझसे बात करने आए थे, शी टर्न्ड आउट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। तो शी अंडरस्टूड कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एंड शी रियली अप्रिशिएट इट। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी कि आप जो करना चाहते हो, इट हैज़ रियली गुड पोटेंशियल, और आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। क्या बात। तो जिन साइकोलॉजिस्ट से आपने सबसे पहले बात की थी, वो कौन है? कॉलेज में वो स्वरूपा वर्वे नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थी, वो शी वॉज अ इन हाउस काउंसलर। हर कॉलेज में अभी मैंडेटरी कर दिया कि यू हैव अ साइकोलॉजिस्ट। तो लकी फॉर मी कि शी टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड लिसनर, और मुझे बहुत हेल्प हुआ, बहुत आपकी ज़िंदगी बदली वो उनसे बात करके। मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ राज। हेलो राज, आई एम सो हैप्पी टू डू दिस वीडियो फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, विच इज अमेजिंग।
मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा से ही एक स्टिग्मा रहा है कि ये क्या पागल लोग हैं, क्या ये क्यों जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, जैसे कि ऐसे लगता है कि क्या ही कर दिया। पर अभी द न्यू जनरेशन एंड पीपल एंथुजियास्टिक वार्म काइंड एंड वेरी क्रिएटिव पीपल लाइक योर सेल्फ आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड राज, I think the way you have come out of your own issues and you took care of your own mental health so beautifully and you are so insightful. और आप वहीं पे रुके नहीं, आपने लोगों की मदद की है जो जिनको मदद की आवश्यकता है and you are doing such a great work in mental health sensitization. I'm very happy to see that and I hope कि many many more people join your cause. And let's make a mentally healthy society. And heartiest congratulations, Raj. I'm so proud of you. And all the very, very best in all your endeavors. Wow. Oh my God. How come? That is so sweet. अच्छा एक बात बताइए, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, काउंसलर के पास जाना, हम सबके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। वो पहला कदम काफ़ी मुश्किल होता है। जब हम ये समझ भी जाएं कि हमें डिप्रेशन है या हमें मदद की ज़रूरत है, वो मदद लेना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे। ये स्वरूपा के पास पहला कदम जब आपने बढ़ाया होगा उनकी तरफ, तो आपको कितना हेजिटेशन रहा? हेजिटेशन तो काफ़ी था, बिकॉज सब लोग जो थे, जो मेरा अराउंडिंग जो सराउंडिंग लोग थे, उनके माइंड में ये था कि साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, उनका भी यही मानना था। तो मुझे कहीं ना कहीं हेजिटेशन थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी उस पॉइंट में। तो एज आई सेड, मैंने विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट आई वेंट फॉर इट। तो या बट टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसे बाद में मैंने सेशन लिए, तो जब मैं वहाँ से आता था तो लोग देखते थे, अरे ये तो उनके पास जा रहा है। तो नाम बातें फैलना चालू हुई कि राज तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, मे बी साइको इज मेंटल। तो ऐसे मेरे को भी नाम कॉलिंग हुआ है। एंड आई रियलाइज कि उस पॉइंट पे मेरे लिए बहुत ईजी हो गया होता छोड़ देना, कि यार लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बट देन आई रियलाइज कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ना इसे कंटिन्यू करें। और जस्ट बिकॉज आई कंटिन्यू डिड, आई एम हियर टुडे। सो ट्रू। राज, वो जो डिप्रेशन वाला फेज था, उसमें आपने थोड़ी सी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स तो बताई कि आप अकेले रहते थे या कुछ कुछ और आपने नोटिस किया अपने अंदर चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो, उस तरह के क्या क्या बदलाव और आए आपके अंदर? पहले तो बहुत ज़्यादा खा रहा था, कभी कभार तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एंड्स। आई वॉज बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा था, लथार्जिक फील हो रहा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती थी, बहुत लॉस्ट फील होता था, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बेड से ही नहीं उठता था, बहुत बार क्लासेस इसलिए नहीं जा रहा था बिकॉज मन ही नहीं कर रहा था। तो डिटैच हो चुका था हर चीज़ से, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी करने को, गोइंग आउट फॉर अ मूवी, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ट्रिप्स पे जाना, वो कहीं ना कहीं अगर मुझे दोस्त पूछते भी थे तो मुझे मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसा चेंज देख लिया उस फेज़ में कि मैं खुद को रिकॉग्नाइज करना भूल गया था कि ये दिस इज़ नॉट मी। और इसलिए वो जो डिटैचमेंट मेरा मेरे खुद से हो चुका था, वो कहीं ना कहीं मुझे सुसाइडल बहुत बना रहा था। तो ये काफ़ी चेंजेस थे जो मैंने उस टाइम पे नोटिस करे, और अच्छा हुआ कि आई केम आउट ऑफ इट। नहीं तो बहुत लोग हैं आज भी जो सालों से उस स्टेट में रह रहे हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ द ट्रू सेल्फ, बट दैट इज़ रॉन्ग। और ऐसे मैंने बहुत लोग से मिला भी हूँ जो जिनको हमने बताया गया कि नो दिस इज़ नॉट यू, you have to redefine yourself, you have to find the true yourself, you know. So that is me. आपने दो तीन बार suicide का जिक्र किया, thoughts आ रहे थे या कभी आपने actually बिल्कुल seriously सोच लिया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा? जी thoughts तो काफ़ी आ रहे थे, बट हाँ एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं seriously वो step लेने के लिए आगे बढ़ाऊँ। तो back फिर जब मैं एक बार दुबई गया था अपने family के साथ था, उस time पे हम 10th फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं बालकनी में गया, खड़ा था, वहाँ से मैं नीचे देखा, आई डोंट फील, वो डिस्टेंस ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था ठीक है यार कर लेंगे अपन, लेट्स टेक द स्टेप। ओह माय गॉड। तो वो एक पॉइंट आ गया था कि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा लग रहा था कि ठीक है ना, दिस इज़ इट, दिस इज़ द नेक्स्ट राइट स्टेप। और मुझे वो जस्टिफाइबल लग रहा था उस पॉइंट पर, लाइफ में हर चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ तुम्हें मैटर कर रही है, इट्स नॉट गिविंग यू दैट प्लेजर दैट यू वांट, जो तुम एक छोटी सी सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो चाह रहे हो नहीं मिल रहा है लाइफ से। सो वो एक स्टेप भी मेरे लिए बहुत छोटा लग रहा था। तो आई लुक्ड इनटू द
स्काईलाइन। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने बस यही सोचा कि यार ठीक है, यहाँ से मैंने जो भी किया है मैं अपने के लिए किया है। पहले पेरेंट्स का थॉट आया कि उनके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ठीक है एक काम कर दे, यहाँ से अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए जीते। तो वहाँ से थोड़ा पॉजिटिविटी आई, एक होप आया कि चलो ठीक है ना, अपन अपने लिए तो हार चुके ही है, अब थोड़ा दूसरों के लिए जी के देखते हैं। उसके बाद फिर आपने रेगुलर काउंसलिंग ली, थेरेपी ली, पहले तो खुद ठीक होना ज़रूरी है तभी आप दूसरों को ठीक कर पाएंगे, क्या किया आपने उसके बाद? तो जी हाँ, मैंने रेगुलरली थेरेपी ली। ऐसे बहुत सारे गाइड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट है खुद, मैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने उनको बताया मेरी सिचुएशन क्या है, और उनको समझ में आ रहा था कि ही वॉन्ट्स हेल्प, ये चाहता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो मैं काफ़ी पहले तो खुद ही डिस्टर्ब था, बट उनको दिखा कि नहीं, ही हैज़ होप, तो उन्होंने खुद से मुझे हेल्प किया कि वो खुद से मेरे पे चेकअप करते थे कि राज व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब मैंने जो आपको बताया था आपने किया क्या, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये जो छोटी सी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लिया या फिर मुझे उन्होंने जो गाइड किया है, दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। आई थिंक कि उस पॉइंट पे अगर मेरे पे लोगों ने गिव अप कर दिया होता तो शायद मैंने खुद पे गिव अप कर दिया होता। राज, एक और बहुत टिपिकल चीज़ होती है, कोई व्यक्ति हमारे आसपास डिप्रेशन से गुजर रहा हो, और कितनी बार ऐसा होता है अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं अरे वो तो हंसता खेलता खुश था बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं चला। बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी ये बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो किस हालात से गुजर रहा है। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, क्या वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आप डिप्रेशन में हैं? जब डिप्रेशन में होते तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैं ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, हर चीज़ से इरिटेशन हो रही थी, हाँ पेरेंट्स से इरिटेशन हो रही थी, उनके कॉल से इरिटेशन हो रही थी, कि वो बार बार वही बात करते थे कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, तो मैं उनका कॉल ही अवॉइड करता था। और जब मैं उनके आसपास भी रहता था या फिर दोस्तों के साथ रहता था तो अनजाने में भी उनसे मैं रूड बिहेव कर रहा था। मेरा इंटेंशन वो कभी नहीं था, बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो ऐसे एक्ट करवा रही थी। तो लोग मेरे आसपास, उनको रियलाइज़ तो हुआ कि ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, बट क्यों कर रहा है उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। और ये हम कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं हम, हाँ नहीं सर कि, और उस पॉइंट पे हम ना उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो ये मैं रियलाइज़ किया कि मैं भी ये करता था कि अगर मेरे आसपास भी कोई लोग अगर गुस्सा करे ज़्यादा या फिर थोड़ा सा भी उनकी लाइफ में अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो हम उन पर गुस्सा करते हैं रैदर देन अंडरस्टैंडिंग देम कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेट्स टेक अ मोमेंट, लेट्स पॉज एंड सी कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, हमें क्या पता कहीं ना कहीं आंसर मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारे उस आंसर मिलने से उनकी हेल्प हो जाए। तो डिप्रेशन की वजह से आपने क्या क्या खोया, अगर मैं पूछूँ, रिश्तों में क्या रिश्ते भी खोए? मैंने दोस्त खोए, मैंने रिश्ते खोए, मैंने टाइम खोया अपना, मैंने जो चीज़ मैं कुछ अच्छा कर सकता था अपनी लाइफ के लिए उस पॉइंट पे, वो आई लॉस्ट समवेयर। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो अच्छी मेमोरीज बना सकता था, आई लॉस्ट ओवर देयर। तो बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम। वो नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ की कैपेबल हूँ। मैं मुझे चांस नहीं मिलता अपना ब्रोकन रिलेशनशिप फिक्स करने को विद माई पेरेंट्स। मुझे ये नहीं समझता कि मेरे लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे मुझे दूर होना है, उनको दूर करना है और अच्छे लोगों को अपने पास लाना है। तो अगर वही हुआ तो अभी आज मेरे पास आसपास काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छी आर्मी है जो इट इज़ फुल ऑफ हैप्पी एंड नाइस पीपल हु वांट टू डू गुड फॉर अदर्स। राज, डिप्रेशन के दौर में ये भी होता है कि हमें अंदर कितनी भी परेशानी हो रही हो, कभी तो आपने कहा कि ठीक है चिड़चिड़ापन आ जाता है क्या, लेकिन कई बार हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, फेक स्माइल करके या बहुत अच्छा बनने की कोशिश करके कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं कि ताकि किसी को समझ में ना आए। ये भी किया कि आपने अपने डिप्रेशन को छुपाने की कोशिश की? जी जी, आई थिंक ये हर कोई करता है, कोई दिखाना नहीं चाहता अपनी नेगेटिव साइड, दे ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी, हर कोई चाहता है कि वो ऐसा प्रिटेंड करके वो हैप्पी है। इवन लुक एट टुडे सोशल मीडिया, सबका सोशल मीडिया इज हैप्पी, राइट? ऐसा लगता है कितनी खुशियां हैं इस दुनिया में, क्या तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, क्या क्या दोस्त हैं इनके, सब लोग प्रिटेंड करें कि वो खुश है, बट रियल लाइफ में उनके लाइफ में क्या झगड़े चल रहे हैं या फिर क्या इश्यूज चल रही है, क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं फाइनेंशियली और एनीथिंग, लोग दिखाते नहीं है। एवरीवन प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स राइट। आप कैसे छुपाते थे? जो मेरे पास में लोग थे उनको तो कहीं ना कहीं मैंने रीच आउट करने का ट्राई किया, बट जब नहीं हुआ तो हाँ आई एम लाइक आई एम गुड, हमेशा मैंने यही दिखाया कि मैं गुड हूँ। पेरेंट्स के साथ जब मैं उनसे ओपन अप हो सकता था मैंने नहीं किया, बिकॉज उन ऐसा लगता है पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए कि मैं हार चुका हूँ, है ना? तो
काफ़ी जो लोग मेरे आसपास थे या फिर जो दुनिया थी उन सबको मैंने तो यही दिखाया कि नहीं, राज इज़ ऑल राइट। मेरे क्लास में भी जितने फ्रेंड्स थे उन सबको तो मैंने कभी मैंने रियलाइज़ भी नहीं होने दिया कि मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको हिंट आ चुकी थी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलिए आपको एक मैसेज। हेलो एवरीवन, मैं राज का भाई बात कर रहा हूँ, सूचक। राज बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। डिप्रेशन और राज दूर दूर तक नाता ही नहीं ऐसा लगता है, लेकिन कैसे वो डिप्रेशन में गया और कैसे उससे बाहर निकला, नो वन नोज, लिटरली नो वन नोज। क्योंकि मैं अपने होम टाउन में था, इंजीनियरिंग का दौर था, वो यहाँ पे था पुणे में, तो वो कैसे उससे बाहर निकला, कैसे उसने उसके साथ फाइट किया, रियली नो वन नोज। लेकिन भाई मुझे लगता है तुझे बताना चाहिए था यार। अच्छा ये बताइए, ये जो डिप्रेशन का फेज था आपका कितना लंबा था? बिकॉज पहले एक डेढ़ साल तो ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि हम डिप्रेशन में। जब मैं रेक्टिफाई किया तो आई वर्कड ऑन इट, आई वॉज हैप्पी टेम्परेरीली, अच्छा लग रहा था कि मैं खुश हूँ, फाइनली खुशी के पल आ रहे थे, तो मैंने कहीं ना कहीं थेरेपी लेना छोड़ दिया था। आई रियलाइज कि ठीक है, आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हो गया। हाँ, बट दैट वॉज सुपरफिशियल गुड। जो हमारे इंटरनल इश्यूज थे, जो भी माइन्यूट डिटेल्स जहाँ पे मैंने वर्क करना चाहिए था वहाँ पे मैं पहुँचा ही नहीं था। तो जब बाद में वापस मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, बीट पर्सनल लाइफ में कुछ, जो रिलेशनशिप में अगर कुछ इशू हो रहा था, फिर मैं वापस से स्क्वायर बैक टू ज़ीरो। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट हैज़ आई हैव नॉट कम्प्लीटली हील्ड, मुझे इस पर और काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर और एक दौर था जो आई थिंक एक साल तक चला वापस, बट देन यस फाइनली आई वर्क ऑन माई सेल्फ। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी खुशी दूसरों के हैप्पीनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ छोटे छोटे मेरे रियलाइजेशंस इतने वैल्यूएबल हो चुके हैं मेरे लिए कि जो चीज़ें मेरे को पहले मैटर करती थी, जिसकी वजह से मैं खुश होता था, आज वो मैटर नहीं करती। आई हैव चेंज माई परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम देम टू मी राइट नाउ। तो यस, जब हम खुद खुश हैं तब हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि दूसरों को हेल्प करने का मेरा जो थॉट है वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा ये रियलाइजेशन हो गया था, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत कॉमन चीज़ है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हम सैड हैं, नहीं नहीं वो तो ये सिचुएशन हो गई, मेरी नौकरी चली गई इसलिए मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं, वो तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया या मुझे निराशा हो गई या मैं सैड हो गया, आई एम नॉट डिप्रेस्ड, उस चीज़ से हम भागते हैं। वो डिनाइल आपके अंदर भी थे या आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ मेंटली अभी? पहले तो मुझे पता ही नहीं था मैं डिप्रेशन में हूँ, पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं मेरे साथ बुरा हो रहा है या फिर कोई मुझे बुरा ट्रीट कर रहा है इसलिए मुझे गुस्सा है, आसपास सब गलत है मेरे। हाँ, मैं सैड हूँ इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट सैड ही था। मुझे उस टेम्परेरीली मुझे ऐसा लगता कि मैं सैड हूँ, बट मैं खुश हो सकता हूँ, बट मैं हो सकता हूँ उसके ऊपर मैंने फोकस ही नहीं किया। मैं सैड हूँ पर फोकस किया और वो इतना लंबा हो गया कि इट पुट मी इन टू फेज ऑफ डिप्रेशन। तो ये आई थिंक ये हर कोई यही देखता है ना कि दे डोंट वॉन्ट टू एक्नोलेज कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बिकॉज दे समटाइम्स दे डोंट नो, और जब उनको पता भी होता है तो दे डोंट वॉन्ट टू टेल अदर्स कि मैं डिप्रेशन में, ये दे फील लाइक यार ये ऐसी बीमारी जो छुपानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है ना। अगर हमको हाथ में चोट लगती है, पेट दुखता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो वाई नॉट गो टू साइकेट्रिस्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मेंटल इशूज़। तो ये नॉर्मलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, लोगों को पता ही नहीं है कि इससे क्या होता है, कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं उनको पता ही नहीं है। तो वो एक अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा लोनलीनेस भी रही, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास लोगों की बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर मुझे अपना एक दुख किसी को बताना है तो मैं सोचती रहूँगी इसको बताऊँ, नहीं 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 ये तो ऐसे कर देगा, इसको बताऊँ नहीं नहीं ये तो हंसेगा। तो इतनी दुनिया होती है हमारे आसपास लेकिन अपनी बात नहीं किसी को कह पाते, वो लोनलीनेस भी थी आपके साथ, वो अकेलापन था? जी जी मैं भीड़ में था, मतलब मैं हर किसी को जानता था, मेरे आसपास बहुत लोग थे पर मैं उनमें भी बहुत अकेला फील करता था, और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं सच्चे में अकेला फील कर रहा हूँ। वो बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी, वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी कि मेरे आसपास काफ़ी अच्छे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, पर मैं
उनसे कुछ भी बात शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बहुत अकेला फील होता था और वो लोनलीनेस ही था, लोनलीनेस ही था। चलिए अब वहाँ से हम आपकी ज़िंदगी के दूसरे फेज़ की तरफ बढ़ते हैं, द लिसनर्स आर्मी, वो लोग जो किसी का दुख या किसी की कहानी सुनने की कोशिश करते हैं। आपने कहा आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी, लेकिन एक पोस्ट देखकर एक काम करना, दो तीन चीज़ें आपके जो बारे में जो मैं पढ़ रही थी तो मुझे ख्याल आया कि ठीक है, एक व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, वो अपना इलाज कराता है, उससे निकल आता है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगता है। उसमें से कितने लोग ये सोच पाते हैं कि मैं दूसरों को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करूँ? बड़ी हैरानी हुई देखकर कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा ये कि ठीक है, एक एक एक्सपेरिमेंट विदेश में सक्सेसफुल हो रहा है कि भाई मैं तुम्हें एक डॉलर दूंगा, मुझे कहानी बताओ, लेकिन हमारे इंडिया में लोग हंस सकते हैं इस बात पर। तो वो पहला दिन लिसनर्स आर्मी, आप शायद अकेले रहे होंगे, वन मैन आर्मी रही होगी, तो क्या था वो पहला, डिस्क्राइब द फर्स्ट डे टू अस। तो जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने उसको तुरंत रिपोस्ट किया और मैंने कहा कि ये मैं कल करने वाला हूँ। और ये फिर मैंने एक प्लेस डिसाइड की, एफसी रोड पुणे, ये पुणे का सबसे यंग क्राउड जहाँ पे आता है, बहुत बिजी रोड है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे किया जाए, यहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, यहाँ पे जिसको ज़रूरत है वो यहाँ पे तो आ ही जाएगा, एंड इट्स ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सिटी, तो यहाँ पे हर कोई आता है। फिर अगला दिन हुआ, फिर सेकेंड थॉट्स आने लगे कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैंने करना चाहिए, लोग इसे कैसे लेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं कोई। तो उस स्टेट में मैंने सेकंड थॉट्स को थोड़ा साइड रखा। मैं और आप थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, हाँ, मतलब, है ना, थोड़ा ऐसा डर लगता ही है, ऑब्वियसली लगता है, और गोइंग इनटू लार्ज क्राउड, वो भी एफसी रोड जैसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, मुझे डर लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, क्या ही हो जाएगा, अगर चलो ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई एक और इंसान मिल जाए जिसको सही में मदद की ज़रूरत है, उसकी अगर ज़िंदगी में 5 मिनट की खुशी दे सकता हूँ, इट विल बी अ बिग डे फॉर मी। मैंने वही थॉट रखा और वही थॉट से मैंने एक बोर्ड बनाया, बहुत सिंपल सा वर्ड बनाया, और मैं बाहर निकल गया, मैं बोला चलो लेट्स डू इट। क्या लिखा उस बोर्ड पर? उस बोर्ड पे लिखा टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू 10 रुपीस। उस पर उस टाइम पे मैं कॉलेज स्टूडेंट थे, कुछ 5-6 हज़ार आते होंगे घर से, उसमें सब मैनेज करना है, तो मैं सोचा 10 रुपये तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, 100 रुपये तो नहीं, तो एक डॉलर तो नहीं, तो आई सेड लेट्स गो विद 10 रुपीस। तो मैं बाहर गया, वहाँ पे बोर्ड लेके जा रहा था, तो मुझे डर लग रहा था यार लोग देखेंगे तो लोग हंसेंगे या फिर कोई ना कोई कुछ कमेंट पास करेगा, तो मैं बोर्ड भी ऐसे छुपा के लेके जा रहा था। फिर मैं बस में बैठा, मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, कॉलेज स्टूडेंट्स, टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट्स। आई वेंट टू द एफसी रोड, मैं पहुंचा वहाँ पे और मैं बोर्ड ले खड़ा हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे देखने लग गए अचानक से। तो फिर मैंने थोड़ा सा नीचे किया, मैं बोला चलो नहीं ठीक है, मैं जो करने आया हूँ करके देखते हैं, एटलीस्ट इससे किसी ना किसी को तो हेल्प होगी, एटलीस्ट एक इंसान को तो होनी चाहिए। तो मैंने बोर्ड वापस ऊपर लिया और मैं देखता रहा, फिर लोग देख रहे थे, थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था। उत्ते में ऐसे कुछ बंच ऑफ 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने देखा मुझे, देख ही रहे थे काफ़ी देर से, उसमें से एक इंसान आके मुझसे बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं, बोला ठीक है बात करते हैं। ओह माय गॉड, एंड दैट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो शी टर्न्ड आउट टू बी साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं और उनकी लाइफ में क्या इश्यूज़ है, और फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया कि वो खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट है। तो आई वाज लाइक अरे चलो, मतलब समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने उनको कुछ सवाल पूछे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या इससे मदद होगी लोगों को, तो ये बोर्ड से राइट मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, इससे किसी ना किसी को डेफिनेटली जिसको ज़रूरत है, ही विल नॉट सी कि इस पे क्या लिखा, ही विल ओनली सी टेल मी योर स्टोरी, आई एम हियर टू लिसन। वो आप सुनने को रेडी हो, वो 10 रुपये नहीं देखेगा, वो 100 रुपये नहीं देखेगा, वो आपसे बात करने आ जाएगा। तो कीप अप विद द बोर्ड, ये जो बोर्ड इट इज़ गिविंग आउट द राइट मैसेज जो जाना चाहिए। तो वो हुआ, तो जब मैं सेकेंड या थर्ड डे ऑलमोस्ट 5-6 घंटे खड़ा था, तो मेरे पैर दुखने लग गए थे, इट वॉज वेरी टायरिंग, और आई वॉज अबाउट टू लीव कि एक लड़का मेरे पास आता है और उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मतलब चलो ठीक है बताओ क्या है। जो मेरा दर्द था जब वो बात करे थे सब चले गया, आई फेल्ट वन विथ हिम। उनकी स्टोरी से मुझे काफ़ी रिलेटेबल फील हुआ, और उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल थे। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत इश्यूज थे उनके लाइफ में। तो एट द एंड उन्होंने मुझसे एक ही लाइन कही कि राज, अगर आप आज मुझसे बात नहीं करते तो मैं घर जाके क्या करता मुझे नहीं पता। सो दैट मूव्ड मी। मैंने कहा कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज मेकिंग अ डिफरेंस, और ये अगर मैं आज चले जाता 5 मिनट पहले तो शायद से कल को न्यूज़पेपर में एक और न्यूज़ होती। और तो उस दिन उसकी मैंने मदद की, मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। बिकॉज उस टाइम उसके पहले तो ऐसे था कि हाँ आई एम गिविंग समवन दैट स्पेस, बट या
दिस इंसिडेंट हैज चेंज्ड एवरीथिंग. और कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? जैसा कहा आपने, उस दिन सिर्फ एक पैर दुख रहे थे, अलग बात है, लेकिन कई बार हम वैसे भी अपने काम में कई बार लगता है कि क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, यू नो, शुड आई इवन कंटिन्यू विद दिस, या मैं अपनी पढ़ाई, अपना करियर देखूँ ना भाई, मैं क्यों सड़क पर खड़ा हुआ हूँ. बट देन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो आपको पुश करते हैं कि नहीं, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो. कोई और अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ. जी, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं. एक बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम केस मेरे पास आया था, जो जब मैं बोर्ड लेके खड़ा रहता था तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते स्पीक करने इन फ्रंट ऑफ लोग. तो मैंने उनको अपना नंबर दिया था, अगर आपको जब भी कंफर्टेबल फील करें आप मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे. तो एक ऑन अ रैंडम इवनिंग मुझे कॉल आया अराउंड 3:30 बजे कि हाय राज, मैंने आपसे नंबर लिया था FC रोड पे, हम मिले थे, एंड आई गिव नंबर टू, मतलब ऐसे बहुत लोग जो मुझे लगते जो कंफर्टेबल नहीं फील करें मैं उनको नंबर देता हूँ. मैंने बहुत लोग को दिया, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज ये कौन है. तो उन्होंने बोला कि मैं ये हूँ, आई एम करंटली स्टैंडिंग ऑन इन माई टेरेस, मेरे हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में फ़ोन है, आई विल ईदर कट माई सेल्फ और आई विल जंप ऑफ. ओह माय गॉड. आई सेड कि क्या हुआ, बात बताओ मुझे, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो शी सेड कि मेरे लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, आई एम वेरी इरिटेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, बट शी वॉज नॉट गेटिंग टू द पॉइंट कि आपको क्या हो रहा है. लाइक नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई मैं समझ नहीं रहा है, मुझे कुछ चीज़ मैटर नहीं कर रही है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. मतलब ठीक है, हो चुका है ना, ठीक है, बात करते उसके बारे में. तो उनसे मैंने कुछ 5-10 मिनट और बात करी, उनको मैंने बोला ठीक है, टेक योर टाइम, काम डाउन, थोड़ा पानी पी लो, बैठ के बात करते हैं. तो उनको मैंने अपने रूम में भेजा, उनको भेजा, आराम से बिठाया, उनको बोला कीप द चाकू थोड़ा दूर ही रख लो, हम आराम से बात करते ना, हाँ आई एम हियर. तो बात चालू हुई उनसे, उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ थे, उनका उनकी शादी में इश्यूज़ हो रहे थे, उनको मतलब लड़का नहीं मिल रहा था, जो लड़का उनको लग रहा था कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर देम, वो कहीं ना कहीं बहुत उनको हर्ट कर चुका था. पेरेंट्स का इशू हो रहे थे, रिसेंटली उन्होंने अपने डैड को लूज़ किया था, तो वो वैसे भी डिप्रेशन में थी, ग्रीफ प्रॉपरली उन्होंने ग्रीफ नहीं किया था, और बिज़नेस उनका चल नहीं रहा था, रिसेंटली जॉब छोड़ के उन्होंने लोन ले रखा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है. आपकी उस दिन बात करने से वो उनकी ज़िंदगी बच गई? डेफिनेटली, डेफिनेटली, शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे. मैं हमने उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास, जब मेरी सरोपा बर्वे मैम थी, उनका मैंने नंबर दिया, मैंने उनका कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, बात करके देखो, मे बी विल फील समथिंग बेटर, है ना, उनको अब कुछ तो हेल्प होगी आपको. तो शी कॉन्टेक्ट देन तो साइकेट्रिस्ट, उन्होंने उनसे सेशंस लिए, एंड आफ्टर दैट टुडे आई सी हर पोस्ट, उनके मैसेज आते हैं, तो अच्छा लगता है कि शी इज़ हैप्पी और शी इज़ गोइंग ऑन ट्रिप्स, शी इज़ रियली हैप्पी, मतलब खुद से अंदर से खुश है वो. तो इट रियली फील्स गुड कि उस दिन कुछ और हो सकता था. बस सुन लिया. हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मैं हर जगह से ट्राई कर चुकी हूँ, अब मेरा आखिरी होप हो, और आई फील ग्लैड कि मैं उनका आखिरी होप बन पाया, उनको वो एक होप, एक एक्स्ट्रा होप के लिए कही तो चांस मिला. तो दैट वॉज अ नाइस इंसिडेंट. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अगर मेरी टीम को मंजूर हो तो हम ये इंटरव्यू कंटिन्यू रख सकते हैं, ऐसा का ऐसा. भगवान भी इमोशनल हो गए. तो जिंदगी विद ऋचा में हर इंटरव्यू में मुझे लगता है हमारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं. आज बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस हुआ है, बीच इंटरव्यू में बारिश होने लगी जहां हम बाहर बैठे हुए थे, तो अभी हमने लोकेशन चेंज की है और बातचीत के अपने सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं. और बहुत ही खूबसूरत एक इंसिडेंट राज ने हमारे साथ शेयर किया, जब एक महिला ने इन्हें फ़ोन किया और उनके एक हाथ में चाकू था, एक में फ़ोन था, और वो कह रही थी कि या तो मैं हाथ काट लूँगी या मैं बालकनी से कूद जाऊँगी. इतनी सुसाइडल थी वो, और कैसे राज ने उनकी ज़िंदगी बचाई और आज वो महिला बहुत खुश हैं. That brings me to the story of listening army, Raj. लेकिन क्या होता है राज, कई बार मुझे सपोज कोई दिक्कत है, ठीक है, मैं आती हूँ, आप सड़क पर खड़े हुए हैं बोर्ड लेकर, लेकिन मैं क्यों आपसे बात करूँगी, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको ट्रस्ट कैसे करूँगी, मैं आपको अपनी कोई कहानी बताऊँ और अगर आप जजमेंटल हो गए, आपने कह दिया नहीं नहीं ऋचा इसमें तो आप ही की गलती है, तो इतने सारे सवाल मेरे मन में आएंगे. तो आपसे लोग ये बात कहते होंगे कि भाई हम क्यों आपसे शेयर करें, हम किसी और से क्यों नहीं कर सकते, मतलब व्हाई वुड पीपल कम एंड टॉक टू यू. यस, तो मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं उनको ये आता ही है सवाल कि तुमसे आगे क्यों कोई बात करेगा,
तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बाकी लोग जज करते हैं, बाकी दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं, पेरेंट्स समझेंगे नहीं, या फिर किसी और को हम बता नहीं सकते जो चीज़ें। अगर आप स्ट्रेंजर को बताओगे, आप तो अपना वेंट आउट कर दोगे ना, मैं आपको नाम पूछूंगा ना आपको पता पूछूंगा। अच्छा, कुछ नहीं पूछते? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपको जो बताना है आप शेयर करो, और जो आपको शेयर करना है आपके और मेरे बीच में रहेगा, एंड देन यू गो योर वे, आई विल गो माय वे। लोग आपके सामने ये डाउट्स कभी क्यों रखते होंगे ना कि मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूं? जी, ये आता है कि मैं क्यों आपको बताऊं? तो आप क्या जवाब देते हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि ना मैं आपको जानता हूं, ना आपका नाम जानता हूं, ना पूछूंगा। आपको जो भी ओपनली आके शेयर करना है आप खुल के कर सकते हो, और जो भी रहेगा मेरे और आपके बीच में रहेगा। तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार चलो ठीक है, कोई तो है जिसको मैं बता सकूं। लेकिन बहुत लोग जो सही में डिप्रेशन में है, जो सही में एक जरिया देखते हैं जहाँ पे मैं बात कर सकूँ, ये सब नहीं सोचते। वो आते हैं, वो डायरेक्टली बात करना चालू करते हैं। कभी कभार तो वो देखते भी नहीं कि आजू बाजू में कौन है। अच्छा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, उनको बस ये दिखता है कि हाँ कोई तो सुनने वाला है जो मेरी बात सुनने के लिए खड़ा है। तो वो ये भी नहीं कहते कि मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकता। यूजुअली हम लोग जहाँ पे खड़े रहते हैं वो बहुत बिजी रोड है, तो हम लोग रोड के उस पार जाके हम बैठ के आराम से बात करते हैं अगर उनको प्राइवेसी चाहिए। बट जो लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग नहीं देखते, उनको बस ये दिखता है कि हाँ राज को मुझे बात बतानी है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ बात बताने। सो ये काफ़ी इंसिडेंट्स मैंने देखे। और क्या उनसे मिलकर आपको ऐसा लगता है कि आजकल हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये फीलिंग आ गई कि कोई सुनने वाला नहीं है? Isn't that true? What do you feel? मुझे तो ये लगता है कि नहीं है, बिकॉज जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि लोग रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं ना, नॉट टू लिसन। बिकॉज अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप उसकी कहानी समझते हो। बट नॉर्मली क्या होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कि अगर आप मुझे कोई स्टोरी बता रहे हो तो हम उस स्टोरी को अपनी लाइफ से रिकनेक्ट करते हैं, और आप अपनी कहानी बताते हैं कि मैं तो ट्रिप पे गई थी, वहाँ पे मैंने ये देखा, मैं वहाँ पे क्या रैपलिंग करने गए थे। अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो स्काई जंपिंग भी करी है। वी यूजुअली डू दैट, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। बस ये कि ये हम ऐसे स्टेटमेंट ना करें जब कोई आपको दिल की बात बता रहा है, वो हम कहीं ना कहीं जज करना। अरे तुम्हारा दुख तो कुछ नहीं, मेरा सुनो मेरा। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत एक कड़वा सत्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। फेसबुक पर, ट्विटर पर आप बहुत अच्छी, इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी फोटो सब लगा दीजिए, लेकिन किसी दिन अगर मन उदास होता है और मैं सोचती हूँ मैं किससे बात करूँ, तो हज़ारों की भीड़ में कई बार कोई समझ नहीं आता कि किसको, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरी बात को अपने तक रखेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जजमेंटल होने के इश्यूज़ होते हैं। आपके साथ एक सवाल और मुझे लगता है राज, क्या लोग पूछते हैं कि आप तो कोई ट्रेंड काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, तो आप कैसे मुझे ठीक कर सकते हो? तो उस समय आप क्या जवाब देते हैं अगर कोई ऐसा पूछे आपसे? जी ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैं ट्रेंड भी नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आपको एज अ दोस्त सुनूंगा, मैं आपको एज अ दोस्त एक स्पेस दूंगा जहाँ पे आप बात कर सको, ना मैं आपको सलाह दूंगा, ना मैं आपको गाइड करूंगा, बिकॉज मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मैं खुद को लायक नहीं मानता। लेकिन मैं उनको ना, जब मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं जो बहुत सीवियर है, तो मैं नोट करता हूँ कि यार ये इंसान को ज़रूरत है हेल्प की या नहीं, कि ये बात करके सॉर्ट हो सकता है या नहीं। तो अगर किसी को हेल्प है तो हम उनको रिकनेक्ट करते हैं टू रिक्वायर्ड साइकोलॉजिस्ट। मैं उनको एम्पावर करता हूँ कि यार ज़रूरी है तो जाओ ना। उनको डर रहता है, लोगों आज बहुत ज़्यादा डर है लोगों को कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, वो दवाई दे के स्लीपिंग पिल्स दे देते हो, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। स्लीपिंग पिल्स क्यों दिए जाते हैं, किस सिचुएशन में दिए जाते हैं, क्या कितने वक्त के लिए दिए जाते हैं, यस, और किस इंसान को दिए जाते हैं, कि वो किस स्टेट में रहता है। काफ़ी बार मेडिकल इश्यूज रहते हैं, जेनेटिकली इश्यूज रहते हैं, तब दिए जाते हैं। देर आर सर्टन नॉर्म्स, बट लोगों को लगता है नहीं, अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो दवाई दे देंगे स्लीपिंग पिल्स और मैं ठीक नहीं होंगी, बट दैट इज़ रॉन्ग। तो मैं उनको कुछ सलाह नहीं देता हूँ, मैं उनको अगर सही में ज़रूरत है तो उनको रिकनेक्ट करता हूँ टू अ गुड साइकोलॉजिस्ट। अच्छा अभी बताइए, ये जो वन मैन आर्मी शुरू हुई थी, ये अब ये इतनी बड़ी आर्मी, कितनी बड़ी आर्मी है पहले तो ये बताइए, और इतनी बड़ी आर्मी कैसे बनी? एंड टू दिस डेट हमारे रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो मोर देन 5000 रजिस्ट्रेशन है ऑफ वॉलंटियर्स, यस, जिनको रजिस्टर करना है। और उसके बाद हमने लिंक बंद कर दी थी। अभी भी मुझे रोज़ मैसेज आते कि हमें आपके साथ जुड़ना है, बट हाँ हमने ज़्यादा लोग को लिया नहीं है। वी आर ग्रोइंग एट स्मॉल स्पेस, तो वी आर अ टीम ऑफ 300 वॉलंटियर्स ऑनलाइन और 150 वॉलंटियर्स जो ऑफलाइन हम लोग वॉलंटियरिंग करते हैं। वी आर एक्सपेंडिंग, जैसे भी अभी तो ऑनलाइन बहुत ज़रूरत है बिकॉज वी आर ऑल स्कैटर्ड, लोगों को ऑन द स्पॉट हेल्प चाहिए होती है। तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया जहाँ पे आप बात कर सको। अच्छा, क्या नाम है? नॉट प्लेटफॉर्म एज इन, हम लोग वी आर वर्किंग ऑन द वेबसाइट listenarmy.com।
मीनवाइल हम लोग जूम सेशन लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हैं या फिर जो भी हमारे पास आता है हम अपने वॉलंटियर से कनेक्ट करते हैं उनको, ताकि ये कॉन्फिडेंशियली हम उनसे कॉन्वर्स कर सके। तो दैट इज ग्रोइंग और दैट टीम इज ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड। और ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होने का सब जगह कितने शहरों में कहाँ कहाँ हो रहा है? आई विल काउंट दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, इंदौर, सूरत, एंड वी आर एक्सपेंडिंग। ऐसे हर जगह यंगस्टर्स खड़े होते हैं। अच्छा, ज्यादातर यंगस्टर्स ही हैं या कहीं कभी ऐसा भी हो कोई सीनियर सिटीजन आपके साथ जुड़े एज वॉलंटियर? यस, सीनियर सिटीजन भी जुड़े हैं जिनको सोशली तो जानना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट वो हमको ऑनलाइन हेल्प करते हैं, तो ऑनलाइन वो सेशन लेते हैं। ऐसे भी काफ़ी है जो काफ़ी एजेडेड, जो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे भी है, इवन दे वांटेड टू शेयर, दे वांटेड टू टेक सेशंस, तो हम उनको भी वी गिव देम द प्लेटफॉर्म। और कभी कोई परेशान सीनियर सिटीजन आया है मदद करने या मदद मांगने या अपनी स्टोरी शेयर करने? क्योंकि कई बार बुजुर्गों को शिकायत होती है कि कोई सुनता नहीं है घर में हमारी। ये मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है, मतलब जब फिजिकल वॉलंटियरिंग करता होता, एक अंकल है जो मुझे देखते रोज़ देखते क्या ये खड़ा है क्या कर रहा है, ही लुक्स एट मी फॉर अ सेकंड, ही गोस, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, ही वॉचेज मी, नोटिसेस। ऐसे बहुत लोग आते, तो मैं उनको कुछ ऐसे नोटिस नहीं किया, ठीक है देखते। तो आफ्टर अराउंड वन मंथ कंटिन्यूसली वो रोज़ उस लाइन पे वॉक करने निकलते हैं। तो एक महीने के बाद वो मेरे पास आया, वो तुम क्या करते हो बताओ मुझे, एकदम ऐसे इंटरोगेटिंगली, ये डरा नहीं, क्या ऐसे क्या कर रहे हो ये कर। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैंने उनको अच्छे से समझाया कि मैं ये करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि अगर आपको कुछ शेयर करना है मैं हूँ यहाँ पे, तो वो एकदम से ऐसे सहमे से हो गए। उन्होंने कहा कि तुम सही में सुनते हो? मैं बोला हाँ, आपको अगर कुछ बताना है, एक अपने अपना ग्रैंड चाइल्ड समझ लो या फिर पोता समझ लो, कुछ शेयर करना है बताओ। तो वो कह रहे मैं पोता तो नहीं, बट मैं आपको एक दोस्त की तरह कुछ बताना चाहूँगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी जो उनको हर्ट हो रही थी वर्क स्पेस में, तो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो उनका फ्रस्ट्रेशन मैंने सुन लिया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो एट द एंड मैंने उनको बस यही पूछा कि अंकल आपको कैसा लग रहा है? तो बोले यार अंकल मत कहे, इज लाइक दोस्त माना ना उसे। तो उनको वो कह रहे थे, उनको काफ़ी लाइट फील हो रहा था कि उनके ही ओवर थिंग्स अलॉट, तो इसलिए वो रोज़ वॉक पे निकलते हैं। और मैं रोज़ यही चीज़ के बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूँ, किसी को मैंने बताया नहीं घर पे, सब मेरे से छोटे हैं, तो उनको मैं क्या अपनी अपना बोझ उनको क्यों दूँ। बट तुझे देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, इट फेल्ट रियली नाइस। So, ये सारे लोग जो आपसे शेयर कर रहे हैं अभी भी आप मतलब पैसे देते हैं 10 रुपए? मतलब आई गिव, बहुत लोग रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे लाइक नहीं आपने सुना है उससे बड़ी हेल्प तो कुछ हो ही नहीं सकती, बट यस मैं दे दो। अभी तक कितने पैसे राज खर्च कर चुके हैं लोगों की कहानियां सुनने में और पैसे देने में? ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट काउंट बिकॉज इट्स नाइस कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मुझे रोज खुशी होती है कि चलो किसी को तो मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। कुछ और मिथ्स मेंटल हेल्थ को लेकर राज, मुझे लगता है आपके ज़रिए हम लोग इस शो के ज़रिए दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार ये डिप्रेशन और ये सब ना ये बड़े प्रिविलेज्ड क्लास की प्रॉब्लम है, जिनके पास सब कुछ है वो बेकार में डिप्रेशन लेकर बैठ जाते हैं। क्या ऐसा है? क्या जिनके पास कम सुविधा है या कम पैसे हैं उन्हें डिप्रेशन नहीं है, उनके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के संघर्षों में इतने उलझे हैं? क्या है सच्चाई? आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? ये बहुत गलत स्टेटमेंट है बिकॉज हर किसी के लाइफ में पर्सनली इतने इश्यूज़ होते हैं, जो जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं वो किसी को बताते नहीं हैं, और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, नो मैटर आप कितने, आपके बैंक में कितने पैसे, आप प्रिविलेज हो या नहीं हो, इट डज नॉट मैटर। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम वीक बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू बिकम समथिंग, उनकी लाइफ में बहुत इशूज़ होती है और उस इशूज़ की वजह से दे कैन गोइंग टू डिप्रेशन, वाई नॉट। तो ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है कि प्रिविलेज लोग के लिए ही है डिप्रेशन ऐसा कुछ, बट यस मैंने बहुत लोग ऐसे भी मिले जो प्रॉपर गांव से आते हैं और कुछ करने को आते, कुछ बनने को आते हैं और यहाँ पे आके अटक जाते हैं, बड़े शहरों में आके अटक जाते हैं। तो आपसे बात करने आते कभी या उनको हेजिटेशन होता है कि क्या ये आदमी हमारी कहानी क्यों सुनेगा, हम तो गरीब हैं, ऐसा हेजिटेशन रहता है या गरीब लोग भी आते हैं आपसे अपनी बात कहने? एक डिफरेंस तो आ ही जाता है कहने के उनके माइंड में लोग को देख के, बिकॉज अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग है ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये जज करेगा इन शॉर्ट, तो लोगों को कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है। बट जब वो मुझे देखते किसी और से बात करते हुए, मेरे एक्सप्रेशन देखते, मेरे चेहरे पे देखते, देन दे रियलाइज कि नहीं यार मे बी ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, एंड जो लोग चांस लेना चाहते हो चांस लेके मुझसे बात करते हैं उनको अच्छा लगता है। अब लिसनर्स आर्मी का भविष्य क्या है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है एक यंग मैन को अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने थोड़े टाइम ये शुरू किया, बट देन फिर भाई अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी भी है, अपनी फैमिली होगी, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द लिसनर्स आर्मी?
लिसनर्स आर्मी को का अगर एम आप पूछ रहे हो तो यही है कि डिप्रेशन मुक्त बनाना है इंडिया को, दैट इज़ आर अल्टीमेट एम। हमको सुसाइड रेट्स जो है आज के डेट में, हम टेलिंग यू 2020 में 1,55,000 सुसाइड्स हुए थे और कोविड डेथ्स वेयर 1,50,000। सो जस्ट इमेजिन कोविड नहीं भी होता तो भी इतने ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं और फिर भी हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रहा है। कोविड की तो वैक्सीन बन जाएगी, वॉट अबाउट सुसाइड्स, हु विल प्रिवेंट इट, हु विल वर्क ऑन इट। तो आई वॉन्ट टू रिड्यूस दैट। मेरा ये में कि हमारे जरिए अगर एक इंसान की भी जान बच रही है तो इट इज़ वेरी बिग थिंग, और हम एक एक करके जुड़ रहे हैं, हमारी आर्मी बड़ी हो रही है। मेरा एम ये है, हमारा लिसनर आर्मी का एम ये है कि हर शहर में एक इंसान होना चाहिए जिसके पास आप जाके बात कर सको, दैट इज़ आर बेसिक एम राइट नाउ पूरे देश में, हर पूरे देश में, एंड दैट विल बी ट्रू। इतने जनरेशन आ रहे, इतने ज़्यादा अच्छे लोग मिल रहे कि बहुत जल्द आई थिंक ये मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। अच्छा राज, ये बताइए, लिसनर्स आर्मी का काम चल रहा था, लोगों के दुख दर्द या कहानी सुनने का काम चल रहा था, फिर ये फ्री हग्स, ये कैंपेन कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? ये बहुत एक ना लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि हम किसी को छूना नहीं है कोविड के बाद से, कोविड और बहुत टाइम से लोग अकेले पड़ चुके थे, बहुत टाइम से किसी को गले नहीं लगाया था, बहुत टाइम से मतलब वो ह्यूमन टच छूट गया था। तो मैं सोचा कि यार अभी तो कोविड हट चुका है ना, लोग गले लगा सकते हैं, तो लगाओ गले। तो जैसे हम अनजान को गले लगाते हैं, बहुत ज़रूरत होती है कभी ना कभी कि हम भी जो हमारे दर्द जो हम बता भी नहीं सकते वो हम किसी हग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये करते हैं, एक बार करके देखते हैं। मैं मेरे माइंड में ये पहले से था कि करना चाहिए, लोगों को हेल्प होगी इससे, ज़रूर अच्छा लगेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बैकस्लैश लग रहा था कि लोग कैसे इसको, इंडिया में तो नहीं कि लोग इसको सेक्सुअलाइज कर देंगे कि एक लड़का तू गलत चीज़ कर रहा है। तो इसलिए मैं बहुत लड़कियों को गले लगाने का बहाना चाहिए, जबकि ऐसा इंटेंशन होता नहीं हमारा, बट फिर ऑब्वियसली आज भी कमेंट्स आते हैं कि हाँ तू तो, बट ये आई गेट इट कि लोग बहुत छोटी सोच से उसको देखते हैं, बट नहीं जब हम जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, तो वो ये सोचते नहीं है, वो डरते भी नहीं है, बिकॉज दे सी हाउ जेन्युइनली आई एम ट्राइंग टू गिव आउट हैप्पीनेस, गिव आउट लव। तो हमने बहुत लोग को आज तक तो बहुत लोग हमने खुशियाँ बांटी है, हक दिया है। तो हग्स का वैसे भी एक कुछ हार्मोनल वो कनेक्शन है विद हैप्पीनेस, है ना? मैं कहीं पढ़ा था। जब आप किसी को मोर देन 8 seconds हक करते हो तो योर ब्रेन रिलीज अ हैप्पी हार्मोन डोपामाइन, और दैट मेक्स यू रियली हैप्पी। तो मैं जिसके साथ भी अगर मैं हक करता हूँ, अगर कल से अगर वो रिकॉर्ड हो चुका है कहीं पर, तो मैं बाद में अगर उसको देख रहा हूँ तो मैं ये नोटिस करता हूँ उसके और मेरे दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल है, और वो इमोशन इज़ वेरी प्योर। तो जब वो मैं इमोशन अगर कहीं से पोस्ट भी करता तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। लोग तो क्या लिखते हैं आप अपने पोस्टर पे? फ्री हग्स, फ्री हग, फ्री हग्स। अच्छा, आपके वॉलंटियर्स में लड़के लड़कियां दोनों हैं? यस, दोनों अगर कभी किसी को अनकंफर्टेबल फील होता है कि लड़कियों को हक करने को, तो वी हैव अ फीमेल वॉलंटियर, वो भी हक करिए, आप उनका जाके हक करिए। स्वीट, क्या बात है। चलते चलते आप हमारे सारे लिसनर्स को, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो इस वक्त ये शो देख रहे होंगे, जो डिप्रेशन में होंगे या कोई परेशानी होगी, जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, उनको आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज है आप सबको कि अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, टॉक अबाउट इट। अपने आसपास आपको लगता है अगर आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, जाओ उनके पास, उनसे बात करो, उनको बताओ कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, दैट इज़ द वर्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट रॉन्ग नोशन दैट यू हैव। आपके पेरेंट्स ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओपन अप हो जाए उनके साथ, उनको बताए, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ बता दो, धीरे धीरे करके बताओ, दे विल अंडरस्टैंड, और आपको ज़रूर वो राइट हेल्प मिलेगी। और मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम सबको प्यार चाहिए, है ना, हम सबको एक टाइम चाहिए कि कोई आके मुझसे दो पल की बातें करे। तो अगर आपकी बिजी लाइफ से अगर आप 5 या 10 मिनट आपके आसपास किसी फ्रेंड को दे सकते हो तो ज़रूर दो, क्या पता वो किसी चीज़ से गुजर रहा हो, पूछो उसको कि यार आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ अगर आपको कुछ बताना, मैं हूँ यहाँ पे, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कोई सेमी डिप्रेशन में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ही इज़ एक्टिंग लिटिल डिफरेंट मेरी तरह, तो उससे जाके बात करो, उसकी लाइफ ज़रूर बदलेगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की लाइफ बचाई, और दैट इज़ द होल थिंग। मैं एक इतना सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ बस। अच्छा, एक बात बताइए राज, कभी ऐसा भी होता है कि आप खड़े हैं कहीं पर, या आपके वॉलंटियर, ज़रूरी नहीं आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वॉलंटियर्स के साथ, और कोई आकर या तो कोई बदतमीज़ी कर गया आप लोगों के साथ, या आपका मजाक उड़ा गया पब्लिक प्लेस पर, और आप लोगों ने उसको कैसे डील किया उस प्रॉब्लम को? ये तो होता है, वी आर यूज्ड टू इट, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते इस कॉज को, तो कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देते हैं,
डिमोटिव हो सकता है कभी, बट देन आई अंडरस्टैंड, हमारी टीम अंडरस्टैंड कि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, वो हमारा मजाक उड़ा के खुद को खुश फील करवाना चाहता है, खुद को सुपीरियर फील करवाना चाहता है. वी अंडरस्टैंड, तो वी टेक इट चल ही सफरिंग, वी होप कि उसको राइट हेल्प मिले और ही गेट्स थ्रू इट. तो आप लोग रिएक्ट नहीं, रिएक्ट नहीं करते, इट्स ओके. अगर आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है, इट्स ओके. हमको उस पर कैसे रिएक्शन देना है, दैट इज़ आवर चॉइस. क्या बात है, ये वाला मंत्र अगर हम सब लोग अपना लें, खासकर सोशल मीडिया पर, कोई एक चीज़ लिखता है उसके बाद जिस तरह से रिएक्शंस आते हैं, फिर उसका रिएक्शन आता है, पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है. मुझे लगता है हम सबको अपने अंदर वो एक शायद कंट्रोल लाने की बहुत ज़रूरत है, कि ज़रूरी नहीं कि कोई हमसे कुछ बोले तो हमें रिएक्ट करना ही है. आपने पहले कहा था कि रिश्ते खोए, दोस्त खोए, क्या वो सब वापस आ गए? जी जी, जब मैंने खुद से रिकनेक्ट किया, मैं खुद को डेवलप किया, तो मुझे टाइम मिला कि मैं हाँ ये कनेक्शंस बरकरार रखूँ, उनको ग्रो कर सकूँ, उन पर जो मैं भूल चुका था इन रिश्तों को, उनको मैं संवार सकूँ. तो यस, आज राज अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? बहुत खुश है. अब कोई उदासी, कोई डिप्रेशन? जी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं. और दूसरों की मदद करने से क्या आपको अपने आप को संभालने का मौका ज़्यादा मिल रहा है क्या? जी, जब मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, उनको जानता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि काफ़ी बार हम हमारे प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम अपने आप को खोने लग जाते हैं. तो बहुत वैल्यूएबल लेसन मिलते हैं जब मैं लोगों को खुश करता हूँ, जब मैं उनको हैप्पीनेस देता हूँ, जब मैं बांटता हूँ, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, अगर आज मैं खुश नहीं रह पाया तो मैंने किसी को तो खुश किया. तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये फीलिंग को जी सके कम से कम एक बार. राज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, और जब से मैंने आपके बारे में जाना है तब से मुझे यही लग रहा है कि हम सब लोग अपना अपना बोलने के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी और रियल लाइफ में भी अपनी बातें कहने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की जो दूसरों की बातें सुनने को तैयार हैं और इतना वक्त आप देते हैं. क्योंकि इस एज में आई एम श्योर फैमिली फ्रेंड्स कई बार ये भी कहते होंगे कि अरे अपने अपने करियर, अपनी पढ़ाई आगे के अपना ध्यान दो, कहाँ तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो. बट वो टाइम वेस्ट नहीं समझ रहे हैं आप, देश को डिप्रेशन मुक्त बनाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं आपके लिए. राज का ये जो प्रोसेस है ये सब तक पहुँचना चाहिए, और ये मेंटल हेल्थ के बारे में सबको बात करना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो लिसनर आर्मी है, कोई ऐसा है जो हम जैसी यूथ को समझ सकता है. और बिल्कुल भी अपने अंदर दबा के नहीं रखना, मैंने ये रात से सीखा कि अंदर ही अंदर जब हम घुटते हैं तो अंदर ही अंदर और ज़्यादा होते चले जाते हैं, एक डीप डार्कनेस में चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे सुसाइड्स और इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है. और मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों से निकलने का एक जरिया है कि आप बात करें, चाहे अपने पेरेंट्स से बात करें, चाहे आप किसी से भी बात करें, बट बात करें. आज मेरा पहला दिन है जैसे कि एज अ वॉलेंटियर, जो मेरे लिए सबसे मोमेंटली था वो ये था जब एक लड़की ने आके मुझे हग किया और इतने टाइटली, तो ऐसे शायद मेरे कभी किसी अपने ने भी नहीं किया होगा. तो दो सेकंड के लिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कई बार आपके घर वाले, आपके आसपास वाले सब आपको प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेस करने का सबका तरीका अलग होता है. तो जब एकदम से आपको एक स्ट्रेंजर आके ऐसे हग करता है, इट्स अ डिफरेंट इमोशन समवेयर. लोग सामने से आके ऐसी एक बात बताते कि उन सामने, मतलब ऐसा लगता है कि लोगों में कितना दर्द है, हमें लगता है सामने नॉर्मल फेस हंसते हुए जा रहे हैं क्यों करके, लगता है कि किसी में नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब वो अपने दिल की बात बोलते तो लगता है कि हाँ इस बंदे में कितना दर्द है, दर्द में जी रहा है वो.